अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंटेज अलीगढ़। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके लिए RX 135 5 स्पीड लेके। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा और मैं आज आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इसका फुल स्पेसिफिकेशन बताया जाएगा आज आपको और जो पहले वीडियो डाली है उसका भी लिंक दिया जाएगा। बाकी आप सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका वो एवरेज पे आएगा कि ये क्या एवरेज देती है और इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विंटेज अलीगढ़। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज इसका फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। मैं ये आपके सामने लिखा हुआ RX 135 ये 135 cc कहलाती है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये है 132 cc। आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये है 132 cc। और दोस्तों इसको ये जो बाइक है यामाहा टू स्ट्रोक है, ये 132 cc में दे रखा है कंपनी ने इसका इंजन, 135 कहलाता है ये। और इसका मैक्सिमम पावर जो है दोस्तों वो 14 bhp है और 7500 rpm बनाता है। अब हम बात करते हैं इसे टॉर्क की, 12.25 nm और ये 7000 rpm बनाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी पिकअप बहुत जल्दी पकड़ती है। सिंगल सिलेंडर है दोस्तों और इसका जो गियर बॉक्स है वो 5 स्पीड गियर बॉक्स है, यानी कि इसमें 5 गियर दिए हैं कंपनी ने। दोस्तों इस बाइक का वेट जो है वो लगभग 106 किलो का है। अगर हम इसके टंकी की बात करें कितना पेट्रोल इसमें फिल करा सकते हैं हम, तो इसमें जो टंकी में पेट्रोल फिल करा सकते हैं हम 10.5 लीटर 10.5 लीटर इसमें पेट्रोल फिल करा सकते हैं कंपनी के, उससे लगभग इसमें 11 लीटर तेल आ जाता है वैसे। और दोस्तों जो ये रिजर्व में लगती है, ये जो इसका रिजर्व है 1.5 लीटर रिजर्व है, यानी कि 1.5 लीटर तेल के बाद ये रिजर्व में लग जाएगी और 1.5 लीटर से ऊपर जब तेल रहेगा तो वो मेन में रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑयल कैपेसिटी की, इसमें कितना इंजन ऑयल पड़ता है। दोस्तों इसमें जो इंजन ऑयल पड़ता है इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी जो है 1.2 लीटर है और ये दे रखा है फर्स्ट एड किट। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल दी जाएगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके साइलेंसर की, बिल्कुल यूनिक साइलेंसर है इसका, इसके साउंड भी बहुत ज़्यादा यूनिक निकलते हैं साइलेंसर से और ये काफ़ी कॉस्टली आता है। RX 100 का साइलेंसर, उसकी साउंड जो है उसके वो भी अलग है, उसका साइलेंसर अलग है, ये साइलेंसर अलग है। दोस्तों दोनों साइलेंसरों में काफ़ी फ़र्क है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट व्हील की, स्पोक व्हील दे रखे हैं इसमें रियर में और फ्रंट में, पर इसमें फ्रंट में जो है ये डिस्क ब्रेक लगाए हैं और ये स्कॉर्ट की देखिए शॉकर रॉड है ये, ताकि इसकी कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए, फिर कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए इसलिए डिस्क ब्रेक लगा रखे हैं दोस्तों, ये देखिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये टू स्ट्रोक बाइक है ये, फर्स्ट ऑयल देन पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादातर लोग शौक में बहुत ज़्यादा मांगते हैं चलाने के लिए, ऐसे लिख रखा है ताकि भूल ना हो। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये न्यूट्रल इसका ऑन हो, देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया, इसके साउंड भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा। इसका एनालॉग मीटर है दोस्तों, इसकी एनालॉग मीटर जो है इसकी टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर एनालॉग मीटर है, ऑडोमीटर भी इसका एनालॉग है और ये सब इसका लाइट के स्विच दे रखे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लेंथ की, कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है 1965 mm जो इसकी लेंथ है। अब हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, इसकी 740 mm इसकी चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है दोस्तों 1040 mm इसकी जो है हाइट है, इसकी सीट की जो हाइट है वो 765 mm है। जो इसके व्हील बेस हैं दोस्तों वो हैं 1245 mm। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंजन में, इसका इंजन वैसे हमने पोर्ट कराया है, इसमें जापानी सामान पड़ा हुआ है, पिस्टन रिंग सब जापान से मंगवाई हैं,
जिसकी वजह से स्ट्रोक, इसको पिकअप और जो इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसके बोर की बात करते हैं, 58 mm बोर है इसका और जो इसके स्ट्रोक हैं वो 50 mm स्ट्रोक हैं। दोस्तों इसका इंजन सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड है और इसको पोर्ट कराया हमने, जैसे कि बताया मैंने आपको, इसमें जापान से इसका सामान मंगाया है, इसका पिस्टन रिंग सब जापान से मंगाई है। तो मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और इसके साउंड सुनाऊंगा मैं। और आपके पास भी अगर यामाहा RX 100 है या कोई भी बाइक है, आपके पास RXG है, कोई भी बाइक है, तो ठंड में आप, मैं चाहता हूँ कि ठंड में आप उसको बहुत सुकून से स्टार्ट करें, एकदम स्टार्ट ना करते हैं, किक्की मारते रहें। सबसे बेहतर है कि आप चौंक लें सबसे पहले और थोड़ी देर उसको चौंक लगा रहे हैं ताकि आपकी जो बाइक थोड़ी गर्म हो जाए, ऑयल सब में चला जाए, सारे पार्टों में चला जाए। इंजन की क्या रहती है और कुछ नहीं दोस्तों, आप गियर करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। साउंड के बारे में जरूर बताइएगा आपको साउंड। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। यामाहा RX 100 या RX-Z जो भी कोई बाइक है, ये अपने दो तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादातर यामाहा। एक तो नंबर वन इसका पिकअप, जो और गाड़ियों से बेहतर है, एक तो पिकअप हो गया, साउंड जो दिल को छू जाता है, कोई सी बाइक हो साउंड RX 100 का तो सबसे ज़्यादा है। खैर उसके अलावा सारी बाइकों का, इसमें यामाहा में जितनी भी हैं सबका है। उसके बाद जो है इसकी स्पीड, क्योंकि टू स्ट्रोक है, जो इसके RPM है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और बाइकों से बहुत बेहतर है ये। माइलेज भी बेहतर दे देती है, ऐसा नहीं है अगर सिंगल हैंड चलाते हैं आप नॉर्मल तो। इंशाल्लाह और भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, टॉप स्पीड का और माइलेज का। और मेरी इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बराबर बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।